अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से लोहागढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माणों को तोड़ने के बाद पीड़ित परिवारों के साथ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार और प्रशासन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आम आदमी पार्टी की नेत्री कीर्ति पाठक ने बताया कि बिना जानकारी एडीए प्रशासन ने गरीब परिवारों के मकान तोड़ दिए, जबकि उन्होंने जमीन खरीद कर मकान बनाए थे। ऐसे में आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शनी यहाँ गांव के लोग गुहार लेके आए थे आज। परसों, जैसा आपको पता होगा कि लोहागल के अंदर कुछ मकान तोड़े गए जो सरकारी भूमि पर बने हुए थे, अवैध रूप से बने हुए थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने जो नियमन की प्रक्रिया बोली है तो उसी के अंतर्गत उन लोगों ने वहाँ जाकर नियमन की तो बात करी नहीं उनसे, और वहाँ जाकर उनके मकान तोड़ दिए। इसी का विरोध था। जब गरीब आदमी रोएगा तो संवेदनशील आम आदमी पार्टी ज़रूर काम करने जाएगी उनके हित में। तो यहाँ पर अभी जब हम लोग आए और यहाँ आकर के बैठे, क्योंकि हमको कलेक्टर साहब का इंतज़ार करना था और हर जने को अंदर आने की अनुमति ये लोग नहीं देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आए। तो SDM क्या नाम है उनका, महावीर सिंह, ये आए और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से सबसे बात करी। और उसके बाद में एक्चुअली जो सबका जो गुस्सा हुआ वो उनकी बोलने के बाद ही हुआ, क्योंकि भाषा की मर्यादा हर व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। और यही लोग हैं जिनके दम पर, जिनके टैक्स के पैसों से, हम सबके टैक्स के पैसों से ये तनख्वाहें लेते हैं, और उसके बाद जब काले अंग्रेज़ हम पे राज करते हैं तो वो अब बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने वो किया हमारा, सिर्फ उसके बाद भावना गर्ग जी आई और उन्होंने जिस तरीके से बात किया। और पहले इस बीच में मैं आपके सामने एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, पीछे से धमकाया गया, गांव वाले जो ढेर सारे यहाँ बैठे हुए थे उनको धमकाया गया कि आपके घर तो टूटेंगे, आप इधर बैठोगे तो आपके घर टूटेंगे, तो बेचारे डर डर के भागने लगे। इस तरीके से पीछे से भी धमकाया गया है इनको। आम आदमी पार्टी इन हर व्यक्ति के साथ है। लोहागल के अंदर जिनके मकान टूटे हैं उन लोगों के नियमन की प्रक्रिया के लिए हम सब लामबंद हैं कि हम सब उनके नियमन की प्रक्रिया होने तक आंदोलनरत इनके साथ रहेंगे। जिसन मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जो व्यक्ति रह रहा है उसको भी परेशान मत करिए, और जो मेरा मकान टूटा मेरे को मेरा हर जाना चाहिए, मेरे को हर जाना चाहिए। मेरे साथ में 10 पर मकान तोड़े, 10वें मकान के हर जाना चाहिए, और 10 जो व्यक्ति 250-300 ग्रह की बस्ती है उसको कोई हटाया नहीं जाता। कितने समय से रह रहे हो आप? वो तो बरसों से रह रहे सर, मेरा तो बेरा है, वो मेरी ज़मीन है, वो मेरे सास ससुर जी की है, मतलब मेरे भी नहीं, मेरे तीसरी चौथी पीढ़ी हूँ मैं, तो चौथी पीढ़ी से वहाँ चल रहा है मेरा सिलसिला। क्या कभी आपके पास नोटिस वगैरह? नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। डायरेक्ट तोड़ना आया, हम थे भी नहीं घर पे, मैं तो काम पे गई थी, मेरा बेटा काम पे गया था, घर पे बच्चे थे छोटे छोटे। अब किस तरह से दे रहे हो, क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, मेरा सामान बाहर पड़ा है, छत कुछ भी नहीं है, लेटरिंग तोड़ दी, लेटरिंग की इतनी बुरी बदबू आ रही है कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ वहाँ पे। बारिश का मौसम है, कीड़े, बारिश का मौसम है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे सामान कहाँ पड़ा है, मेरे पता, मेरे को ये होश नहीं मेरा सामान कहाँ है।